भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताचे स्वप्न पाहिले आहे. यामध्ये विकसित सांस्कृतिक योगदानामध्ये गायत्री परिवाराचे सर्वाधिक योगदान असेल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खारघरमध्ये गुरुवारी व्यक्त केला. अखिल विश्व गायत्री परिवाराच्या वतीने खारघरमध्ये 5 दिवसीय अश्वमेध महायज्ञाचे आयोजन करण्यात आलं आहे. दुसऱ्या दिवशी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित राहून देवावाहन देवदर्शन घेतले. तसेच महायज्ञात सहभागी होऊन यज्ञ अग्नीमध्ये आहुती दिली. यावेळी भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर मल्लिका नड्डा, गायत्री परिवाराचे संस्थापक श्रद्धेय शैल बाळा पंड्या, डॉक्टर चिन्मय पंड्या, भाजपचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री शिवप्रकाश, सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कौशल्य व रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष शेलार, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार मंदाताई म्हात्रे, उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कोळी, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, गीतकार समीर, गायक शंकर महादेवन, संगीत आणि गायक हिमेश रेशमिया आणि अभिनेता सुनील लहिरी, भाजप नेते ब्रिजेश पटेल यांच्यासह इतर मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान या महायज्ञात आमदार प्रशांत ठाकूर आणि त्यांच्या पत्नी वर्षा ठाकूर यांनीही सहभागी होत यज्ञ अग्नीमध्ये आहुती देत पर्यावरण संरक्षण, महिला सबलीकरण, अंमली पदार्थ मुक्त जग, मानव कल्याण, सहकार्य संघटन आणि मजबूत राष्ट्र उभारणीसाठी संकल्पनेचा संकल्प केला. हम सभी जानते हैं आदरणीय परम पूजनीय पंडित श्रीराम शर्मा जी और गायत्री परिवार ने यज्ञ की परंपरा को फिर एक बार वैश्विक स्वरूप दिया और उसी के चलते आज हमारी सनातन संस्कृति और हमारी यज्ञ की संस्कृति जो पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है और विश्व शांति की कामना और मनुष्यों को उत्तम आचरण मिले इस प्रकार की कामना जिसके माध्यम से होती है, ऐसे इन कार्यों को आज विश्व तक पहुंचाने का काम गायत्री परिवार ने किया है. और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी संस्कृति में गायत्री परिवार का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, जिसको हम आंक नहीं सकते. इस प्रकार का ये योगदान है, मैं इसलिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं. और ये यज्ञ तो सभी के लिए है, हमें सभी के शांति की कामना, सभी के मंगल की कामना की है. हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, ये हमारा मंत्र है. और उसके साथ साथ सभी को नशा मुक्त करने का भी अभियान यहां पर चल रहा है. मेरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये जो 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, उस विकसित भारत में विकसित सांस्कृतिक योगदान में गायत्री परिवार का सबसे बड़ा योगदान होगा, ये मैं आज के इस मौके पर कहता हूं.